नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत के, और भारत के ही नहीं दक्षिण एशिया के इस संपूर्ण कंप्लीट रेडियो चैनल पर। और मुझे आशा है अभी और रेडियो चैनल भी उठ खड़े हुए होंगे, और इसके साथ साथ जो रेडियो चैनल अभी ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। रेडियो पर यूट्यूब चैनल्स की आवश्यकता है, और हमारे पास हैं भारत में बने मेड इन इंडिया दो रेडियोस, वीमैक्स का VK152 और पगारिया का 5N रेडियो क्रेटा। इनके कंपैरिजन का, इनकी तुलना का एक वीडियो आ चुका है FM बैंड पर, उसमें किसने किसको हराया था इसको जानने के लिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किंतु आज की तुलना जो है वो है मीडियम वेव बैंड पर, जिसको आधुनिक जनता AM बैंड के नाम से भी जानती है। और जैसा कि मैंने बार बार बताया है, AM एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है जो कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव तीनों के लिए यूज हो सकती है, किंतु जो बातें हिट हो जाती हैं वो हो जाती हैं, और अब AM लोग मीडियम वेव से ही जोड़कर देखते हैं। तो AM या फिर मीडियम वेव बैंड पर आज का कंपैरिजन है, चलिए करते हैं शुरू। सायंकालीन लगभग 6 बजने को है, मीडियम वेव रिसेप्शन अब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, और अनेक बार जो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रेडियोज, वहाँ अनेकों वीडियो हैं विशेषकर शॉर्ट वेव के अलग अलग बैंड्स के वीडियो 11, 13, 15, 16 मीटर एट्सेट्रा पर, उनके अंदर मैंने बीच में बताया है कि क्यों मीडियम वेव का रिसेप्शन दिन के समय बहुत ख़राब हो जाता है और शाम के समय या सुबह के समय या रात के समय अच्छा रहता है। तो अब एक बात और है, इन दोनों को मैंने आपस में इससे पहले कंपेयर करके नहीं देखा है। VMAX जब मैंने मंगवाया था अपने कज़न के लिए और तुरंत उसको दे दिया था, और पगारिया मेरे पास है, सो मुझे भी नहीं पता मीडियम वेव बैंड पर कौन किसको पटकनी देगा, किंतु बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना। पहले ट्यून कर रहे हैं पगारिया 5N रेडियो क्रेटा को। एक धुंधला सा स्टेशन पकड़ा है इसने। एक बात और बता दूं, मीडियम वेव बैंड पर आपको जो ये वीप एंटेनास दिख रहे हैं, ये मैंने अभी ऊपर किए हुए हैं, किंतु आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने तो ऊपर इसलिए किए हुए हैं कि थोड़ी ही देर पहले मैंने FM का कंपैरिजन शूट किया था, और थोड़ी ही देर बाद मैं शॉर्ट वेव का कंपैरिजन शूट करने वाला हूं। हालांकि आपके पास आते आते ये वीडियो अलग अलग दिनों में पहुंचे हैं, सो इसलिए मैं इनको नीचे नहीं कर रहा हूं, अन्यथा आपको वीप एंटेना ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अब जैसे इसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, इस रेडियो को यदि मैं इस तरफ कर दूं तो कुछ और मीडियम वेव स्टेशंस जो उस ओरिएंटेशन में बेटर पकड़े जा सकते हैं, ये उनको ही पकड़ सकता है। क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन सेम है, दूसरी ओरिएंटेशन वाले स्टेशन यदि रह भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन जो है वो फेयर है। पहला स्टेशन आपके आगे इसने पकड़ा, दो, तीन, चार, पांच, छह, हर कोई अपना 100% देगा, सात जो है हमें एक, तो सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, टीपू सुल्तान के पिता, तेरह, साकिन मा कबल मफ्तू, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। इसने 17 मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पकड़े, जिनमें से कुछ बहुत धुंधले भी थे। आई एम नॉट श्योर कि माइक तक उनकी आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। 17 मीडियम वेव रेडियो स्टेशन इसने पकड़े, कुछ साफ भी थे।
वीमैक्स को 17 या इससे अधिक रेडियो स्टेशंस पकड़ के दिखाने हैं यदि पगारिया को परास्त करना है तो। समय सायकालीन लगभग 6 बजे हुआ है और आप कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार से तुलना के वीडियोस और स्टेशंस को एक एक करके ऐसे गिनते चलने के वीडियोस इस चैनल से पहले क्या आपने भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे थे क्या, बताइएगा मुझे। चलिए वीमैक्स पर चलते हैं। एक इसकी शुरुआत ही एक स्टेशन पकड़ने से हुई है। यहां कुछ धुंधला सा पकड़ा है। 2 3 4 5 6 7 8 वैसे बच्चे बेचारे डर से कुछ बच्चों को सुबह से नौ मिस करते हैं। 10 से सम्मानित किया गया है भारत को ये 11 12 अनुकरणीय प्रयास के लिए 13 14 15 16 17 इन संक्रामक बीमारियों के 18 19 20 21 22 पगारिया फाइव एंड रेडियो क्रेटा के 17 स्टेशंस के मुकाबले में वीमैक्स BK152 ने 22 मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पकड़कर और उसको परास्त कर दिया। अब जिन साथियों ने इनका FM का कंपैरिजन देखा था उनको ध्यान ही होगा FM पर पगारिया ने वीमैक्स को हरा दिया था, लेकिन वीमैक्स ने भी बदला चुका दिया है मीडियम वेव बैंड पर। दोनों के बीच में मुकाबला एक एक का रहा। यदि इन दोनों बैंड्स में से कोई एक आपकी प्रायोरिटी है तो आपको पता चल गया कौन सा लेना चाहिए। और अब अंतिम मुकाबला होगा शॉर्टवेव बैंड पर, जिसमें कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था हम इनका ओवरऑल जो कंपैरिजन, जो फैसिलिटीज़ ये देते हैं वो सिनेरियो भी देखेंगे। नमस्कार।